इस वक्त हम प्रयागराज में उपस्थित हैं, जहाँ पे बहन जी आई थी, यहाँ पे जनसभा को संबोधित कर चुकी हैं और वो जा भी चुकी हैं। यहाँ से एक दो घंटे हो गए। इधर काफ़ी कार्यकर्ता दिख रहे हैं जो बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, और इलाहाबाद से हैं सभी कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी हैं कुछ, जो अब बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या कारण रहा है कि भीम आर्मी को छोड़कर, आज़ाद समाज पार्टी को छोड़कर बसपा में आ गए हैं। क्या कहेंगे साहब? चंद्रशेखर राव जी हैं आप ना? जी, मैं चंद्रशेखर राव, पूर्व जिला प्रभारी भीम आर्मी। अभी मैं इस टाइम में बहुजन समाज पार्टी बहन जी को समर्थन कर रहा हूँ, अभी से नहीं। देखिए, मैं भीम आर्मी को सपोर्ट करता था हमेशा से, लेकिन और करता भी हूँ संगठन के रूप में, लेकिन हमारी पार्टी सिर्फ एक है, बहुजन समाज पार्टी है, और मैं BSP के लिए ही वोट के रूप में रहूँगा। और संगठन के लिए, संगठन एक सामाजिक काम होता है, संगठन में आप कहीं भी काम करिए, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी ओनली सिर्फ BSP है। BSP के ऐसे दीवाने पड़े हैं जो कोई नेता उनको नहीं जानता है, कोई पार्टी में पदाधिकारी भी नहीं है लोग, तब भी बसपा के लिए प्रचार करते हैं, क्या कहें? बसपा जो है वो नेता को देखकर काम नहीं करती है। बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बाबा साहब का मिशन और मानवर कांसीराम का जो मिशन था उनके नसों नसों में दौड़ता है। वो नेता के लिए नहीं काम करते, वो मिशन के लिए काम करते हैं। और BSP राजनीतिक पार्टी बाद में है, पहले एक वो मिशन है वो सामाजिक परिवर्तन का, जो मानवर कांसीराम साहब ने शुरू किया और माननीय बहन जी उसको आगे बढ़ा रही हैं, और लगातार पूरे देश में ही माननीय बहन जी बहुजन समाज की अग्रणी नेता हैं और हम सबकी आदर्श नेता हैं, उन्हीं के दिशा निर्देशों पर सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। क्या लगता है माहौल क्या है? और भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं बसपा को कि बसपा टक्कर में नहीं है, बसपा दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो टक्कर में नहीं है क्योंकि सबको जो मीडिया है उसके ऊपर चश्मा लगा हुआ है। कौन सा चश्मा लगा है? चश्मा लगा हुआ जातिवादी जो मीडिया है, जो बहुजनों को हमेशा से कभी नहीं दिखाया, वो मानवर जय बाबा साहब रहे हो, बाबा साहब ने इसलिए मूक नायक पत्रिका निकाली क्योंकि उनकी बात वो नहीं करती थी। मानवर कांसीराम साहब साहब कहा करते हैं हमारे पास मनी माफिया और मीडिया नहीं है, इसलिए हमको अपना माउथ मीडिया स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो हम लोग घर घर डोर टू डोर जा करके जो बसपा का मिशन मूवमेंट है उसको घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और अब आने वाली जो अभी 2022 का चुनाव हो रहा है और 27 को यहाँ पर प्रयागराज में चुनाव होने वाला है और उसका जो परिणाम 10 मार्च को आएगा, सभी लोगों के चश्मे पूरी तरीके से, मैं कहता हूँ चश्मे उतरेंगे नहीं, चश्मे का शीशा उनके फूट जाएगा और फिर से हमारी उत्तर प्रदेश बहन जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी और भाजपा वाले कहते हैं कि अखिलेश आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, बहन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब ये तो वही बात हो गई ना, क्योंकि जो मीडिया है, मैं खासकर मीडिया के ऊपर ये फोकस करता हूँ क्योंकि घर घर में मीडिया है, हर घर में एक टीवी चैनल है और टीवी चैनल पे वो हमेशा चीख चीख करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर दिखाकर भाजपा और सपा को लड़ाई में दिखा रहे हैं। लेकिन आप लगातार प्रदेश में बहन जी की रैली आप देख रहे हैं, जो कि एक कोई ऐसा कैमरा नहीं बना जो बहन जी की रैलियों को एक ही फोटो में कवर कर सके। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हम जो है हमारी सरकार बनने जा रही है इस बार। हाँ बिल्कुल, डर है उनको, डर है कि कहीं अगर देख लेंगे तो जो हमारी सरकार इस समय मजबूती से बन रही है कहीं प्रचंड बहुमत बने आ जाए, इनका कोई सुपड़ा ना साफ हो, इसलिए वो जैमर का इस्तेमाल करेंगे, तरह तरह के इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी लाइव को ना दिखा सके। वो कितना भी कोशिश कर लें, हमारी पूर्ण बहुमत की और प्रचंड बहुमत की सरकार आने वाली है और आपको आने वाले 10 मार्च को आप देख लीजिए कि हमें बहुमत से भी ज़्यादा हमें सीट मिलने वाले हैं और बहन जी की सरकार बनने वाली है। इधर जो है जो वर्तमान में सरकार है, गृह मंत्री जो है अमित शाह जी कहते हैं कि 12वीं के बाद जो इंटर में एडमिशन लेगा उनको मेरी सरकार बनने पर टेबलेट और लैपटॉप देंगे, क्या कहेंगे? इस पर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यूपी में गांजे की जो बिक्री है वो काफी हद तक बढ़ गई है, उस पर बंद कर दिया जाए क्योंकि गांजा पीकर इस तरीके के भाषण ये देते रहते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं 12वीं के बाद इंटर, 12वीं के बाद तो इंटर होता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि गांजा जब पी लेगा तो ऊट पटांग बात करेगा, तो गांजा बंद कर देना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी लाहौर में है, कहाँ पे है? सामने आ जाइए ना, अमित शाह के उसी के डीन है जो बताया है कि 12वीं के बाद, 12वीं के बाद मिलेगा इंटर का। आपके गृह मंत्री ऐसा ना बोलो, पाप लगेगा। अरे पाप, इतने पाप है कि उनका पूछना बेकार है। जो खुद जो और योगी जी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और इधर युवा जो इलाहाबाद में छात्र हैं वो पीटे जा रहे हैं। वो इंटर वाली डिग्री कहाँ से लाएंगे 12वीं के बाद, हमें वो यूनिवर्सिटी बता दे। योगी सरकार में जो है महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा। 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च को कौन आ रहा है? बहन जी हमारी। अरे अखिलेश आ रहे हैं भैया, अखिलेश। अच्छा एक मिनट, अखिलेश जी को पूछे है ना, ये बताइए उनका कितना परसेंटेज वोट है? 21 पॉइंट कुछ है।
और बीएसपी का कितना है, 22 पॉइंट कुछ है। जो तीसरे नंबर पर है वो नंबर वन का दावा करता है, और जो दूसरे नंबर है वो कहाँ है, वो कहाँ है, बीजेपी को पहले ही बाहर कर चुके हैं थर्ड नंबर वाले। क्या कहेंगे, वर्तमान में जो सरकार चल रही है कार्यकाल कहाँ है, कार्यकाल इनका जो वर्तमान सरकार चल रही, लगातार जो युवाओं का शोषण किया जा रहा है, किसानों का शोषण किया जा रहा है, गरीबों का शोषण किया जा रहा है। और खासकर क्योंकि मैं एक युवा हूं, युवा का दर्द समझता हूं, क्योंकि लगातार हम लोगों को जितनी वैकेंसी आ तो रही हैं, मेज तक आती हैं, उसके बाद वहीं ट्रांसफर हो जाती हैं। आप युवा की बात कर रहे हैं, उधर चंद्रशेखर जी जो कहते हैं कि युवा हमारे साथ, हमें तो नहीं लगता चंद्रशेखर के साथ। आपने अभी देखा भी, जब से बहुजन आजाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया चंद्रशेखर आजाद जी ने, उसके बाद से भीम आर्मी के लगातार जितने भी पदाधिकारी रहे हों, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, लगातार पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो कहाँ गया उनके साथ वो युवा लगा रहा हुआ है, तो क्या कहेंगे चंद्रशेखर के बारे में? चंद्रशेखर लगातार जो है रैली कर रहे हैं, चाहे जहाँ ऐसा है कि चंद्रशेखर जी के साथ संगठन में, चंद्रशेखर जी के साथ जो लोग अभी हैं भी, जो लोग बसपा में आ गए तो आ ही गए, उनका ये कहना है कि हम संगठन के तौर पे या धरना प्रदर्शन के तौर पे आपके साथ रहेंगे, लेकिन वोट देने में हम बहुजन समाज पार्टी और कांशीराम को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी नेशनल पार्टी है और हमारे वो ब्लड में बसती है। और आप जाके सहारनपुर में जो उनका सब्बीरपुर गाँव है वहाँ पता लगा लीजिए, वहाँ के 99% लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है, जिस गाँव के चंद्रशेखर रहने वाले हैं। तो धरना प्रदर्शन कहीं आ जाए तो वो जोश में लोग चले जाते हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ही वोट जा रहा है और जाएगा। और भी मैं बताना, बसपा में जो है युवाओं की जो है काफ़ी भागीदारी बढ़ रही है, युवाओं की। जी जी जी, क्या कहेंगे, युवा हैं आप लोग? देखिए, कहते हैं संघर्षों के साय में इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्यारे साथियों, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब की 2022 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे आप 69,000 का मामला देख लीजिए, कितने युवा भाई लखनऊ में लाठियां खाए हैं, कितने ओबीसी भाइयों के साथ छलावा हुआ है, क्योंकि हमारे साथ ब्राह्मण समाज भी है, दलित समाज भी है, ओबीसी समाज भी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की 2022 में सरकार आ रही है, कोई इसमें संदेह नहीं है। एक बूथ को यहाँ समुंदर लिखा गया, भारत के इतिहास निरंतर लिखा गया, एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में काटकर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर लिखा गया, इसीलिए कोई संदेह नहीं है। अगर कानून व्यवस्था चाहिए, बेरोजगारी दूर करना है और अपना लॉ एंड ऑर्डर सही करना है, बहन बेटियों को सुरक्षित करना है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार लाना ही पड़ेगा। योगी जी से नाराज काहे हैं भैया? भैया, आप एनटीपीसी मामला आप देखे थे, इलाहाबाद में था, कैसे कुंडा से खोल खोल के पीटे गए, इलाहाबाद में छात्रों को तो ऐसे कूटा गया। तो हाँ, तो कूटा गया, तब की बात 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग भी कूट देंगे, ठीक है? कौन आ रहा 10 मार्च को? 10 मार्च को आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बन रही है, और ऐसा कूटेंगे 10 मार्च को, ऐसा कूटेंगे ना, हम लोग तो दो चार लाठी खाए होंगे, थोड़ा बहुत दर्द 2-4 दिन के लिए दर्द हुआ होगा, लेकिन उनको जिंदगी भर का दर्द देकर जाएंगे, ताकि यूपी में दोबारा पनप तक ना पाए। ये मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ। योगी जी को उठने के लिए युवा तैयार है। योगी जी सुन लीजिए, इधर बात करते हैं, क्या कहेंगे योगी जी के बारे में? योगी जी के बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो कहने लायक नहीं है, वो बस एक ही काम करें कि अपने पद से इस्तीफा दे दें, देश सुधर जाएगा। अरे, भाजपा वाले तो कहते हैं योगी जी बहुत अच्छा है, हिंदू राष्ट्र बना रहा है ना। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए भाई साहब, ठीक है, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, ये भारत है, भारत का मतलब ही लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, सिर्फ हिंदू हिंदू नहीं करना है, सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, सब बराबरी में रहे, यही समता मूलक समाज की स्थापना बहन जी करना चाहती हैं, और यही हम लोग चाहते हैं। आप नीला नीला बांधे हैं, सब जगह जो FIR हो रहा है नीले रंग से, BSP की यही पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, जीना यहाँ मरना यहाँ, लहू का एक एक कतरा जब आप देखेंगे तो वो भी BSP कहता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम इलाहाबाद में मौजूद थे, यहाँ पे सारे दीवाने मिले, चाहे जहाँ से हो, ये कह रहे हैं चाहे जो हो जाए हम नीले और नीले के साथ हैं, तो BSP के साथ हैं। आप ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब।